3-4 साल पहले राजा महाराजा खाना कैसे पकाते थे, उनके बर्तन कौन कौन से थे, फ्रिज कौन सी यूज करते थे, बहुत ही एंटिक चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 300 साल पहले की फ्रिज, 200-300 साल पहले का कुकर और सारे उनकी एक्चुअल तलवार कैसी होती थी, तो सब चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे ये है महाराजा रतन सिंह जी का म्यूजियम, ये आपको पूरा पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये कोठी है, ये धर्मपाजी की मूवी में थी, जो राका और साका वाली मूवी थी ना, उसमें ये कोठी थी, तो इसका एक मैंने सेपरेट व्लॉग बना दिया, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ पे महाराजा रतन सिंह जी के म्यूजियम में और एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ों को। यह है म्यूजियम, यहाँ पे टिकट लिखा हुआ 20 रुपये का है। अब हम इसके अंदर चलने वाले हैं और सारी एंटिक चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पे टिकट देखिए मिलता है 20 रुपये का। टिकट काउंटर से मैंने ये टिकट ले लिया है 20 रुपये का। पीछे कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है ना, और अब मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें देखना शुरू हो गई हैं। मैं वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लोर करता चलता हूँ आपको। यहाँ पे पूरे जो राजा महाराजा थे सबकी यहाँ पे एक एक चीज़ें दिखनी लगेंगी, पूरी लाइफ का यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया, हर चीज़ उनकी डिटेलिंग करी गई है, उनके फोटोज़ हैं सारे। यहाँ पे देखिए लिखा है रतलाम के संस्थापक महाराजा रतन सिंह जी, तो वो ये हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राजा जय सिंह जी, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे महाराजा उदय सिंह जी। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पूरे राजा महाराजा थे उनकी पूरी हिस्ट्री को बयान किया गया रतलाम में जो थे उस टाइम पे। तो आप ये पूरा लुक ले सकते हैं एक बार, मैं आपको सारी पोर्ट्रेट दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे सामने देखिए बहुत ही अमेजिंग सी कलाकारी करी गई है, और ये सब देख के लग रहा है कि मैं पुराने ज़माने में वापस आ गया हूँ एकदम से। अब चलते हैं आपको दिखाने वो फ्रिज जो मैंने वादा किया था कि 300 साल पुराना वो फ्रिज है, राजा महाराजा कैसे चीज़ों को बनाते थे। दोस्तों देखिए ये सिगमेंट है जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ बहुत सारे देखिए सींग लगे हुए हैं, तो ये एक्चुअल है, ये डियर के हैं, हिरन के हैं, और ये एक्चुअल है। और आप वहाँ पे वो जो गर्दन सामने देख रहे हैं ना वो भी रियल है, उसको कास्ट करके पत्थर बना दिया गया, लेकिन वो रियल राजा महाराजा ने बनवाया था। और ये भी देख सकते हैं ये भी जानवर का स्टैचू है, बेसिकली पैंगोलिन बोलते हैं इसको, और ये भी रियल था, इसको कास्ट कर दिया गया था इस तरीके से कि खराब ना हो और लॉन्ग टाइम तक बना रहे। तो ये सारे जो दीवार के चारों तरफ बने हुए ना, तो एकदम जैसे मुझे टाइम ट्रेवल वाली याद आ रही है कि मैं टाइम ट्रेवल करके पुराने ज़माने में आ गया हूँ, राजा महाराजा के ज़माने में। यहाँ पे क्राकरी रखे हुए, पूरे बर्तन रखे हुए हैं, ये बहुत ही पुराने हैं, विक्टोरियन चैम्बर पार्ट है, देखिए 90s का है ये, 1900, सोचिए 19वीं शताब्दी का ये पूरा मतलब ये रखा हुआ है। यहाँ पे ये हीटर है, ये सारे बर्तन हैं, आप देखिए पूरे फैन वैन हर चीज़, सब एंटिक कलेक्शन है। ये जो आप देख पा रहे हो ना ये पूरा पार्ट, ये एक्चुअली क्या है आपको सोच के बताओ, कमेंट करो वीडियो पॉज करके कि ये क्या हो सकता है, सोच लिया कमेंट कर दिया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ मैच कराना। ये एक्चुअली में क्या है कि उस जमाने का ये कुकर है, ये शाही कुकर आप इसको बोल सकते हैं, इसमें चावल बनता था। और जब आप इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पे आपको जलते हुए कोयले रखने होते थे जिसकी यहाँ पे स्टीम जाती थी, और ये देखिए नीचे से पैक है तो यहाँ से स्टीम पड़ती थी, इसमें रखा हुआ चावल पकने लगता था जो पानी के साथ रखा हुआ होता था। फिर इसको ऐसे बंद कर देते थे इस टाइप से, देखिए ये बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद, और यहाँ से भी चावल को डाल करके पानी डाल करके रख देते थे ऊपर से, तो भाप से धीरे धीरे क्या होता था धुआं बाहर निकलता रहता था इस होल से, और पूरा चावल धीरे धीरे स्टीम में पक जाता था। तो अमेजिंग इन्वेंशन था उस टाइम पे। पुराने जमाने के लोगों के दिमाग मतलब हद से ज्यादा चलते थे, और ये बात मैं इस कुकर को देख के कह सकता हूँ। और एक बहुत ही एंटिक चीज जो मैंने आपसे शुरू में बोली थी कि मैं आपको फ्रिज दिखाऊंगा 200-300 साल पहले की, तो आप यहाँ कॉर्नर में देखो, ये आपको छोटे दो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली फ्रिज है। और इसकी सबसे जबरदस्त बात जानते हो क्या है कि ये फ्रिज किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, बल्कि घासलेट से चलती थी, केरोसिन ऑयल से चलती थी, इसे हम लोग मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, है ना अमेजिंग बात। आज की फ्रिज चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती नहीं, क्योंकि उस जमाने इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी इतनी ज़्यादा, या कहीं होती नहीं थी। तो 200-300 साल पहले जो फ्रिज चलती थी ना वो केरोसिन ऑयल से चलती थी, घासलेट से। कैन यू इमेजिन, दिमाग खराब हो गया ना, मेरा भी हुआ था, आपको दिखाता हूँ पास से। और इसके अंदर का ना सीन भी बहुत ही अमेजिंग है, आज की जैसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब अलग है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये छोटी फ्रिज है, ये बड़ी फ्रिज है। अब लीटर कितनी है ये पता नहीं, उस जमाने में कैसे लोग बनाते थे। ये मैं इसका दरवाजा ओपन कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये गेट ओपन हो गया है। देखो ये इसका अंदर का लुक फ्रिज का ये ऐसा होता था, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये घासलेट चलती थी। देखिए घासलेट यहाँ से डाला जाता था, ये नीचे पूरा बॉक्स बना हुआ है अगर आपको दिख रहा हो, इससे इंसर्ट किया था यहाँ से, तब ये जाके ऑपरेट होती थी। और जो वो आइस क्यूब जमाने वाला होता है ना पोर्शन, वो भी इसमें दिया है भैया 200 साल पहले से, तो क्या हुआ ज़्यादा एडवांस है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, निकल जा भाई, ये देखिए ये इसमें आइस जमाया जाता था, तो मतलब ये गजब बात है देखो। और छोटे नहीं बल्कि बेसिकली क्या है, ये बहुत ही हैवी है, कॉपर के हैं, एल्युमिनियम के पता नहीं। और ऐसे देखिए 3-3 है, 1-2-3 लेयर्ड में, और कितने छोटे कंपार्टमेंट में अरेंज किया है इसको,
थोड़ा सा जर्जर हालत में है, सॉरी ये मैंने नहीं किया, ये पहले से ही ऐसा था। और ये देखिए ये पूरा ऐसे सीन होता था इस फ्रिज का। तो ये हमारी छोटी फ्रिज थी, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर चुके, आपको दिखा चुके हैं। अब ये दिखाता हूँ ये बड़ी वाली फ्रिज, टन टन। ये देखो भाई साहब, देखो सिंपल है बट बहुत ही क्रिएटिव है। देखिए यहाँ पे ये अलग से चैम्बर बना हुआ है पूरा, और ये रहा जो है उस टाइम को बर्फ जमाने वाला। देखिए ये आइस ट्रे है, ये इसमें इस टाइप से यहाँ पे पानी रख के बर्फ बन जाती है सिंपल में। तो यार है ना अमेजिंग बात। तो देखो चार चैम्बर, एक दो तीन चार, दिख रहा है? ये खुद नहीं चाह रहा, देखो खुद ही बंद हो रहा है। बंद हो जाओ भाई, शर्म लग रही है क्या? बंद हो जाओ। तो दोस्तों ये दोनों फ्रिज जो मैंने देखी ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा अमेजिंग बात ये है, वो कुकर सबसे ज्यादा एंटिक था जो बहुत ही जबरदस्त था, जो मुझे एहसास दिलाता है कि 200-300 साल पहले खाने कैसे बनते थे चावल, है ना। और यहाँ पे ये फ्रिज, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली, इनमें सबसे अच्छा मतलब कंसेप्ट अंदर का कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म है वो बहुत ही यूनिक है। सोच के देखो फ्रिज जल रही है मिट्टी के तेल से। मैं चाहूंगा कि आप जब भी यहाँ कहीं आए एमपी में रतलाम साइड में, तो आप आकर के इस फ्रिज को जरूर देखिए। आपको अंदाजा लगेगा कि राजा महाराजा के जमाने में कितनी स्ट्रगल होती थी जब लाइट नहीं होती थी। आज हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तब भी मतलब हम लोग इतना ज्यादा केयर नहीं करते। सोचिए उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों ने ईजाद किया, दिमाग लगाया, इन्वेंशन करी, केरोसिन आयल से जलने वाली फ्रिज बनाई। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ये घोड़े के ऊपर रखने वाली पालकी टाइप का सिस्टम है, इस पर रख के लोग बैठते थे राजा महाराजा। ये सारी चीजें रखी हुई हैं, और ये सब पूरा यहाँ पे हर तरफ कलेक्शन ही कलेक्शन है। ये देख रहा हूँ बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, आप अगर देख पा रहे हो ये सारी मूर्तियां यहाँ पर डिजाइन करी करी गई हैं, बनी हैं। और यहाँ देखो म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल सिस्टम, इंटरटेनमेंट सबके जमाने में रहा है, बस फॉर्मेट अलग अलग था। आज डीजे बजता है, उस जमाने में तानपुरा बजता था, फर्क इतना है, बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। ये देख पा रहे हो अगर आप, तो ये सारी चीजें रखी हुई है म्यूजिकल के लिए, ये सब इन्होंने ही बनाई है राजा जय सिंह ने। और उनको क्योंकि कलाकारी बहुत ही पसंद थी, तो ये सारी क्रिएटिविटी उन्होंने खुद से ड्रा करी है। जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे हैं, आपको कौन सी अच्छी लगी? मेरी फेवरेट ये वाली है, एकदम लग रहा है नेचुरल, ऐसे ट्रिपल आर में निकलता है एनिमेशन से, उस टाइप का लग रहा है। तो आपने यहाँ पे पुराने महाराजाओं के शौक देखे कि उनको म्यूजिक का शौक था, कलाकारी का शौक था, मैंने आपको ये पीछे दिखाया था। अब आपको दिखाता हूँ कि वेपनरी जोन जो महाराजाओं का था, कि वो कौन कौन से वेपन यूज करते थे, वो ये मेरे पीछे है। अब इसी में थोड़ा सर बचा के चलना, क्योंकि ये बहुत ही देखो एकदम मैं मतलब लेवल का हूँ, तो मुझे सर थोड़ा सा ऐसे बचा के चलना है, इस बात का ख्याल आप लोग भी रखिएगा। फिलहाल मैं एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्वागत होता है। ये तोप रखी हुई है, चलेगी कैसे मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं चला के भी दिखाता। जोक सपाट दोस्तों, यहाँ पे ये रखा हुआ है सिस्टम, किस काम बैठने काम आता है, लेकिन किस लिए मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं चल रहा इसका। हाँ, इसका पूरा आइडिया है, ये देखो ये है विदाई के लिए, ये दुल्हन इसको विदा रही होती रही होंगी। और यहाँ पे ये पूरा जोन है, राइफल वाइफल रखी हुई है। इस म्यूजियम के वेपनरी सेक्शन में बहुत ही अमेजिंग चीज मुझे आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पे 5 तलवारें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस पांच में जो मिडिल वाली है ना, थर्ड वाली, इधर से उधर से दोनों साइड से, तो ये एक्चुअली में महाराजा की तलवार, इसे वो यूज करते थे। और मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे एकदम समझ लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे से ढाली गई है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ मुझे लग रही है देखने से, है ना। तो खुला नहीं है तो मैं इस पर ट्राई करूँ, ताले बंद है। और ये उनके प्रोटेक्शन के लिए था कि गर्दन पे कोई तलवार ना पीछे से मार दे, तो एक कवच था बेसिकली गर्दन का। और ये ढाल तो आपको दिख रही होगी, ये बड़ी वाली ढाल है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस साइड में भाले वाले दिख रहे हैं, तो ये सारे महाराजा के ही वेपन्स हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पिस्टल दिखाना चाहूँगा, हेरा फेरी में आपने पिस्टल देखी होगी, तो ये उस टाइप की थोड़ा लग रही है ना देखने में। तो ये सारे जो है वो राजा महाराजा के ही। और यहाँ पे ये जो है वो चाकू है, थोड़ा सा स्टाइलिश, ये बंदूक नहीं है, है ना। यहाँ पे ये भाले रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये अगेन तलवारें हैं, बर्छी है, सारी चीजें साउथ के थोड़ा हथियार लग रहे हैं। तो हमारे राजा महाराजा जो है बहुत ही एंटिक कलेक्शन यूज करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए भी और प्रजा को बचाने के लिए भी। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें रखी हैं, महाराज दिग्विजय सिंह के रेस क्लब बैच, ये बैजेस थे जो राजा महाराजा बैच यूज करते थे। यहाँ हम लोग के टाइम पे आइडेंटिटी कार्ड वार्ड होता। और यहाँ पे चेस के पूरे वो रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, चेस की गोटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, ये सब कुछ है बेसिकली। और यहाँ पे बैचेस हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, यहाँ पे उस जमाने में जो करेंसियाँ चलती थी, सैलाना के हाउस रेस मेडल्स। और ये लिखा है ना भारतीय राज्यों के सिक्के, यहाँ पे जितने भी राज्य होते थे उस टाइम पे, यूपी बिहार जितना भी, मध्य प्रदेश राजस्थान, उन सबके सिक्के यहाँ रखे हुए हैं। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन सा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आपने सुना होगा कि फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी,
तो एक्चुअली फूटी कौड़ी लोग ऐसे नहीं बोलते, 200-300 साल पहले ये करेंसी हुआ करती थी हमारी, और मैं उसका लुक देता हूँ आपको, देखिए वो कुछ इस तरीके से दिखती थी फूटी कौड़ी, देखने में आपको एकदम सेम ऐसे लगेगी कि बीच में सेक्शन पूरा खाली होता था जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और बीच में मतलब फूटी हुई होती थी, किराने किरासी बाउंड्री में ही उसका जो है पूरा मेटल रहता था, इसीलिए लोग बोलते थे कि फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, यानी ये 200-300 साल पहले की करेंसी थी हमारी, लोग समझते हैं मुहावरा बना हुआ है। तो आई होप आपको ये नई बात पता लगेगी इस वीडियो में। ये आपको ये करेंसी दिख रही है यही वाली, ये फूटी कौड़ी जो आपको बीच बीच में दिख रहा है, ये जहां पे जगह खाली है यही है। हमारे महाराजाओं के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात तो होते ही थे भर भर के, तो उसको रखने के लिए तिजोरी भी चाहिए थी। ये है वो तिजोरी यहाँ के राजा की, देखिए बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये मैं खोलने की कोशिश करता हूँ भाई साहब, एक हाथ से उठ भी नहीं रही, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम है ये। तो ये है वो तिजोरी, खुली नहीं यार। आज के व्लॉग में इतना ही, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर दी हैं, पूरी एंटिक चीज़ें दिखा दी आपको, सबसे स्पेशल था वो फ्रिज। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों इस फ्रिज को ना आप आके देखना जरूर, ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक शेयर जरूर करिए, और हाँ मैंने यहाँ पे एशिया सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन की वीडियो बनाया है, तो वो भी आप आकर के जरूर देखिएगा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो, और नहीं आते तो मेरा वीडियो जाकर के देख लीजिए, आप देख लेंगे वर्चुअली पूरा विजिट कर लेंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।